रायपुर महापौर एजाज डेबर ने निगम मुख्यालय रायपुर में 8 जुलाई 2021 को किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें कि रायपुर महापौर एजाज डेबर ने निगम मुख्यालय रायपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए आज 8 जुलाई 2021 को पीलिया सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें महापौर एजाज डेबर ने कहा कि राजधानी रायपुर में इस वर्ष पीलिया के प्रकोप देखने को नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि पीलिया से एक भी व्यक्ति का मौत इस साल नहीं हुआ है। एक भी केस हमने रायपुर में नहीं आने दिया। आपको पता है कि हर गर्मी में बदबे इनके यहाँ पीलिया आता है और पिछले बार भी पीलिया से बहुत लोगों की मौत भी हुई थी, मगर इस बार हम दावे से कह सकते हैं कि पीलिया से ना इस बार बीमारी आई, ना इस बार कोई ग्रसित हुआ। वैसे ही हम डेंगू को भी लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार डेंगू के भी इस बार मरीज हम कहीं नहीं मिले। अब उसमें क्योंकि देखिए अब कोई अच्छे से अगर वो नहीं करेगा तो उसमें जुर्माना भी करेंगे, क्योंकि अगर सीरियस अगर प्रीमियम मिलेगा तो जुर्माना भी उससे भी काम किया जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई जुर्माने वाली स्थिति आएगी लगातार, क्योंकि सब में अवेयरनेस आ गई है, सब में जागरूकता आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई जुर्माने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से लोगों ने पीलिया में अभी जिस तरीके से लोगों ने अभी पूरी साफ सफाई जिस तरीके से ध्यान रखा, पीलिया नहीं आया उसी तरीके से डेंगू भी नहीं आया। हाँ, अगर ऐसा कहीं पर भी अगर कोई आता है उसके लिए हमारी टीम सेंट्रल लेवल पे बनी हुई है, चाहे हम बारिश की भी बात करें तो उसके लिए भी हमारी टीम बनी हुई है और ये डेंगू और इसके लिए मलेरिया के लिए हमारी टीम बनी हुई है। जहाँ पर अगर इस तरीके की अगर कोई शिकायत आती है तो तुरंत वहाँ पर कैंप लगा के सबको जाँच की। टारगेट बहुत तेजी से चल रहा है, जब से इसमें सभी लोग सभी वर्ग सामाजिक वर्ग धार्मिक वर्ग राजनीतिक वर्ग व्यापारी वर्ग ये जब युवा वर्ग जब सब पूरे लोग शामिल हो गए हैं और एक अच्छी क्रांति के रूप में यहाँ पर फैल गया, एक क्रांति के रूप में लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन आ रहा खत्म हो जा रहा, अभी 60,000 का डोज मिला है और मुझे खुशी इस बात की है कि हम मंदिर मस्जिदों में गुरुद्वारों में और चर्चों में हमने पिछले बार जो वैक्सीनेशन कैंप लगवाया वहाँ करीब 1500 टीके लगे। इस बार फिर नई नई मंदिरों से नई नई मस्जिदों से नई नई गुरुद्वारों से फिर फोन आ रहा है कि हमें शनिवार इतवार को फिर से हमें टीका उपलब्ध करवाया जाए, तो इस बार फिर उनके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो टीका में अच्छा उत्साह है और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम 10 से 10.5 लाख पहुंच गए हैं और करीब 22 लाख टोटल यहाँ रायपुर में लोग रहते हैं, अभी भी हम 12 लाख पीछे हैं, मगर मुझे भरोसा है अगर केंद्र से लगातार हमें टीके मिलते रहे, टीका मिलने में अगर परेशानी नहीं हुई तो मुझे लगता है कि हम जो लक्ष्य है हमारा वो पूरा होगा।